नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आरआरबी एएलपी के द्वारा 5,696 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और 20 तारीख से इनके आवेदन भी प्रारंभ हैं। अभी देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे लगातार आवेदन कर भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सर इस बार कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्च करिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। और आपके इस जो एक बोल सकते हैं विश्वास है, सटूट विश्वास के बदौलत टीम परीक्षा प्लस जिसकी जड़ ही कहीं ना कहीं बहुत टेक्निकल है, इस बार आरआरबी एएलपी के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको आपकी से वादा किया था और उस वादे के लिए उस वादे को निभाने के लिए यहां पे आपके सामने मैं हाजिर हूं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, कोचिंग कैसी होनी चाहिए, क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करने का समय कितना मिलेगा, क्या आपके पास किताबें होनी चाहिए, नोट्स क्या होने चाहिए, पीडीएफ आपके पास कैसे होने चाहिए, टेस्ट कैसे लगाने, किस सेगमेंट पे ज्यादा जोर देना है, किस सेगमेंट पे हम आराम से करें, कम पढ़ें तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये सारी ही चीजें कहने का मतलब एक समग्र बहुत बेहतरीन रणनीति आपके सामने मैं लेके आया हूं और आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और ये वैकेंसी खासकर ऐसे सारे टेक्निकल बच्चे, खासकर जो आईटीआई वाले हैं या फिर आप बोल सकते हो डिप्लोमा वाले हैं या बोल सकते हो बीई या बीटेक वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। टीम परीक्षा प्लस की जो अधिकांश फैकल्टी है वो सारे बीटेक और एमटेक वाली है और इस कारण से एक जो अपनापन लगता है टेक्निकल बच्चों के साथ, इसके संदर्भ में ये कोर्स जरूर ही टीम परीक्षा प्लस बहुत अच्छे से चलाएगी। अभी मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर ये 10-15 मिनट का सेशन आप पूरा देख लिए हो देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली इसमें क्या है कैसा है और कितनी आसान तरीके से नौकरी ली जा सकती है। हालांकि टीम परीक्षा प्लस में आरआरबी एएलपी का जो कोर्स है वो अभी डिस्काउंट में 1600 का जो कोर्स है वो 499 में मात्र में मिल रहा है, 70% ऑफ चल रहा है जिसमें सारी क्लासेस लाइव प्लस उसकी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे सारे के सारे, कैसे स्टडी मटेरियल मिलेंगे वो सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सारे आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं, ये सारी की सारी किताबें मिलने वाली हैं। स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम की डेट तक होगी, आपका एग्जाम 1 साल बाद हो 10 साल बाद हो आपका कोर्स आपके ऐप में रहेगा और अगर अगले महीने रहे तो भी केवल एग्जाम की डेट तक रहेगा, इस बात का विशेष आप ध्यान दीजिएगा। आते हैं सॉरी एक एक चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसमें पूरे कोर्स में आपको मिलने क्या वाला है ये सारी किताबें, लेकिन ये सारी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ये है कि आरआरबी के द्वारा जो 1/2024 की वैकेंसी आई है, अभी आज इसके लिए नोटिफिकेशन भी दिया है कि वो अभी जल्द ही बाकी लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ने वाले हैं, वो सारी बातें बाद में, बट आप ये समझिए कि अभी ये जो वैकेंसीज हैं इस वैकेंसी में 20 तारीख से आवेदन, 19 लास्ट डेट है फरवरी का, 20 करेक्शन 20 से 29 तक जो है मॉडिफिकेशन का चलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो ये पिछले साल क्या किए थे, पिछले साल इन्होंने 18 से 30 रखा था, इस बार 18 से 28 रखा था पिछली बार, इस बार इन्होंने 18 से 30 रखा है, लेकिन पिछली बार वैकेंसी बहुत जबरदस्त थी, लगभग एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला के 27,000 के पद थे, 17 से 18,000 पद केवल किसके थे, एएलपी के थे, जो एक तिहाई कर दिए गए हैं, मतलब 5,696 लगभग 5,700 पद, 1/3 ही वैकेंसी इस बार आई हुई है। हालांकि 2 साल का इन्होंने एज बढ़ाया तो है, लेकिन फिर भी 5 साल बाद आई है तो 2-3 साल और बढ़ा देते तो शायद हम लोग संतुष्ट होते, इससे संतुष्ट नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है, अब इसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने आए हैं, इस वीडियो में बात करने आए हैं दोस्त कि आखिर आप इसमें कैसे सिलेक्शन लोगे। अब यह बात अलग है कि भाई अगर पद बहुत ज्यादा होता, वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वैकेंसीज थोड़ी कम है तो हमें अपनी रणनीति वैसे ही बनानी पड़ती है, लेकिन यह किसी किताब में नहीं लिखा है, यह कहीं किसी ने नहीं कहा है कि अगर पद थोड़े से कम हो जाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके पास सही रणनीति है, अगर आपके पास सही रिसोर्स है, सही कंटेंट है, सही किताबें हैं, सही मार्गदर्शन है, तो अगर आपको एक पद पर निकले ना तो एक पद पर भी आप दावा ठोक सकते हो और एक पद पर भी चयन ले सकते हो। यहां पे फिर भी 5,700 वैकेंसी, लगभग 6,000 वैकेंसी कम नहीं होती, इस बात को मैं बोलूंगा, जहां पे अन्य पदों पे 400-400 300-300 पद के लिए ऑल ओवर इंडिया फाइट करते हैं, यहां पे 6,000-7,000 वैकेंसी कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा होती तो इस बात को मैं हमेशा बोलूंगा कि ज्यादा अच्छा सिचुएशन होती, बट जैसी सिचुएशन है हमें अब उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको बता दूं कि आप सेलेक्ट किस प्रकार से होगे, आप बेटा सीबीटी 1 दोगे जो क्वालिफाइंग होगा जिसका नंबर नहीं जुड़ेगा, आप सीबीटी 2 दोगे जिसमें दो पार्ट होगा, पार्ट बी फिर से क्वालिफाइंग होगा, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल पार्ट ए का नंबर जुड़ेगा, आपका सिलेक्शन सीबीटी स्टेज 2 के पार्ट ए के आधारित पे होगा और उसके बाद आपका एएलपी में खासकर यह होता है सीबीटी
CAT ये शायद कोई संस्था ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन इस बार आपका ये रोल बहुत बड़ा है। 30% मार्क्स आपके यहां से जुड़ेंगे और 70% मार्क्स आपके यहां पे जुड़ेंगे। इन दोनों मार्क्स के बदौलत आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। बाकी चरण आपके DV और मेडिकल के हैं। तो ये बहुत आसान भाषा में अगर आप समझ गए हो तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें आखिर इसमें चयन लेने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। फॉर्म भरोगे तभी आप एग्जाम दे पाओगे। फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी की वीडियो की लिंक मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो। आप अपने मेडिकल, जो यहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसे भी पहले से ही चेक कर लो, उसकी भी लिंक मैंने डाल दी है, उसे भी आप देख सकते हो। अब आते हैं ये जो रिटर्न CBT प्रोसेस होगा, इसको हम लोग कैसे क्वालिफाई करेंगे। इसको क्वालिफाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले समझो कि जो CBT स्टेज 1 होगा, CBT स्टेज 1 में 75 क्वेश्चन पूछे, पहले से भी पूछे जा रहे हैं, अभी भी पूछे जाएंगे। 60 मिनट इसका आपको समय मिलता है, 1 घंटा केवल समय होता है और क्वालिफाइंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स होता है, इसमें 20 क्वेश्चन मैथ्स होता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चन जनरल साइंस होता है। हालांकि ये पिछली बार का पैटर्न था, ये कहीं नोटिफिकेशन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है, ये पिछले पैटर्न के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये 100 क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई चेंजेस भी हो जाए, बट हम ज्यादा मान के चलेंगे कि आपका जो पूछा जाएगा ऐसे ही पूछा जाएगा। अब इसमें जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, इसमें जनरल अवेयरनेस केवल नाम मात्र के लिए बोला गया है, इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं होते हैं या फिर एकाधी होते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8+ क्वेश्चन केवल करंट अफेयर होगा। तो जनरल अवेयरनेस इसे कट कर दूं तो भी कोई बुरा नहीं है, केवल करंट अफेयर्स यहां पर रखा जाए। और करंट अफेयर्स केवल किसका रहेगा, केवल आपका 6 मंथ का रहेगा, यह भी आप दिमाग में रखना, 1 साल का नहीं पूछेगा। अब आते हैं 3 पोर्शन हमारे पास बचे। इसमें 3 पोर्शन में मैथ इसने क्या बोला, रीजनिंग क्या बोला, साइंस क्या बोला, कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। लेकिन मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस, अब उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, वो 10th वाले ITI के साथ भर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, या फिर BE BTEC वाले भर सकते हैं। तो क्या BE BTEC वाले भर सकते हैं, तो BE BTEC का मैथ्स पूछा जाएगा? नहीं, मिनिमम मतलब क्या, मतलब 10th लेवल का पूछा जाएगा। तो ये बहुत हाई लेवल नहीं है, इस बात को ध्यान देना। दूसरी बात, क्वालिफाइंग है। पिछली बार बच्चे क्या हुए, पिछली बार इस वाले स्टेज में भर भर के नंबर बच्चे लाए, इसके लिए पूरा जी जान लगा दिए कि भाई चलो जितना हो सकता है उतना नंबर ले आया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें केवल और केवल क्वालिफाइंग है, बट मेरिट में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली बार तो उतना काम नहीं किया था, लेकिन अगर वही शिद्दत इस बार वो बच्चे जैसे आपने दिखाया था, अगर आप दिखा दोगे तो इस बार काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेज 2 में वैकेंसी का केवल कितने जाएंगे, वैकेंसी के 15 गुना जाएंगे। लगभग अगर 5700 वैकेंसी है, अगर उसका गुणा किया जाए तो 85,000 बच्चे किसमें जाएंगे, स्टेज 2 में जाएंगे। और ये 85,000 के लिए कम से कम फॉर्म का जो आवेदन होगा, 8 से 9 लाख मिनिमम मैं बता रहा हूं, शायद इससे ज्यादा भी जाए। पिछली बार तो बहुत ज्यादा गया था, लेकिन इस बार क्योंकि वैकेंसी कम है इस कारण से हो सकता है, बट कभी ऐसा होता नहीं। पिछली बार इतने लोग बोल सकते हैं जागरूक भी नहीं थे, इस बार ज्यादा है, तो वो आंकड़ा अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से नंबर ऑफ फॉर्म पड़ रहे हैं उस हिसाब से फॉर्म बहुत ज्यादा जाएगा। दूसरी बात, वैकेंसी आगे बढ़ भी सकती है, इस बात को भी दिमाग में रखना। तो इसके लिए वैकेंसी की चिंता आज से नहीं करनी है, आपको केवल क्या करना है, आपको अभी फॉर्म भरना है, मेरिट में आना है। और मेरिट में आना है तो आपको मेरिट में आने के लिए करना क्या पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट अगर देखा जाए तो रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ मैथ्स है, और साइंस भी कम स्कोरिंग नहीं होता, बाकी है करंट अफेयर्स। अगर GS होता तो शायद स्कोर कम होते, तो अगर मैं इसे करंट अफेयर्स दे दूं तो ये चारों ही पार्ट क्या होते हैं, स्कोरिंग पार्ट होते हैं। मतलब कि अगर आपका 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर का है, 1/3 निगेटिव है, तो इसे आप मान के चलो कि कम से कम 60+ कट ऑफ जाएगी। कहां पे 60+ कट ऑफ जाएगी, स्टेज 2 के लिए तो आपको 60 नंबर लाना ही लाना होगा। अब मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि आपको 60 नंबर बेटा लाना कैसे है, इस चीज को आप समझते हुए चलो। आपका मैथ्स कितना पूछ रहा है, आपका मैथ्स पूछ रहा है 20, आपका रीजनिंग कितना पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है 25। कुछ बच्चों के मैथ्स कमजोर होती है, कुछ अच्छी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आप लोग यहां पे फॉर्म भरने जा रहे हो वो सारे मैथ्स बैकग्राउंड के ही होते हो, वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले होते हो। चलो मैथ्स थोड़ी कमजोर होती है, साइंस तो अच्छी होती है, रीजनिंग तो उनकी सबसे जबरदस्त होती है। तो ये 25 क्वेश्चन में से आपको फुल में फुल लेके आने हैं रीजनिंग में। अगर मैं साइंस की बात करूं तो आपका बैकग्राउंड ही साइंस है, साइंस की अगर यहां पर बात किया जाए तो साइंस में भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस 20 में आपको क्या करना है, 15+ से यहां पे स्कोर करना है। मैथ में भी कम से कम 15+ स्कोर करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आप कितना भी पढ़ लोगे, जनरल अवेयरनेस में 10 में 7+ मैक्सिमम जो सही होगा
वो सात सही होगा। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होना चाहिए। अब क्या रीजनिंग में 25 में 25 सही हो सकते हैं? बिल्कुल सही होते हैं, अधिकांश बच्चों के सही होते हैं, हर बार सही होते हैं, आपके भी सही होंगे अगर आप इस पे केवल और केवल प्रैक्टिस कर लोगे। इसमें क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। मैथ्स में मैं इतना बोलूंगा, मैथ्स का थोड़ा सा यहां पे सिलेबस ज्यादा है। मैथ्स का सिलेबस क्यों ज्यादा है, ये क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं कि सिलेबस ज्यादा है, उसको भी मैं दिखा दूं। जहां पे जनरल मैथ्स बेटा पूछा जाता है, यहां पे मैथ्स में आप देखोगे तो एलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, स्टैटिस्टिक भी है, और यहां पे सारी ही चीजें अगर देखा जाए तो मतलब कि अरिथमेटिक, बेसिक नंबर सिस्टम, आपका एलजेब्रा, आपका ज्योमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, तो एक एरिया वास्ट हो जाता है। इस कारण से कई बार क्या होता है, कई बार स्कोर इसके कम रह जाते हैं। इस कारण से मैंने 15 बोला, लेकिन 15 एक अच्छा नंबर है, सारे बच्चे ला सकते हैं। तो यहां पे जबकि 25 रीजनिंग में आपको 25 में 25 लाओगे तो ये आपका 40 नंबर हो जाएगा। 40 और 15 कितना हो जाएगा, 40 और 15 65 हो जाएगा। फिर भी आप 7 यहां पे करके आओगे, और 65 और 7 मतलब अगर आप यहां पे अगर 40 और 15 55, 55 और 7 62, 55 और अगर यहां पे 7 की बात किया जाए तो अगर 75 में से 62 करके आते हो, 75 में से 62 करके आते हो, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा। और इसमें भी आपको कितना करना है, 75 में से 60 प्लस स्कोर करना है, ये एक्यूरेसी के साथ करना होगा। हालांकि फिर भी मैं बता रहा हूं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होता है, तो ऐसा कोई नहीं है कि 10% एरर ना हो। 75 में 75 कोई सही करके आता है तो वहां पे क्या होता है, जहां पे जीएस के पार्ट होते हैं थोड़ी गलती ज्यादा होती है। मैथ्स और रीजनिंग ये तो हो सकता है 10% का 5% हो, बट फिर भी मान के चलो कि 4-5 क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा। तो 75 में 5 गलत हो जाएगा तो 70, और 70 का 5 का 1/3 निकल लेगा, 2 नंबर और, मतलब कि आपके 67 नंबर 68 नंबर तो कोई टॉपर होगा, इससे ज्यादा नहीं पाएगा। बट जितने बच्चे होंगे वो 60 से 67 के बीच में ही लाई करेंगे, तो इस कारण से आपको यहां पे 60 के आसपास स्कोर करना होगा। भले ही आपका स्कोर नहीं जुड़ रहा है बट मेरिट में जगह बनाना होगा बेटा, इस कारण से मेहनत करना होगा। अब ये लाएं कहां से, ये लाएं कहां से, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो बेटा मैं आपको इतना बस बता रहा हूं, इतना फॉलो कर लो कि टीम परीक्षा प्लस आपका जो ये कोर्स लॉन्च कर रही है, इसमें आपके लिए बहुत बेहतरीन किताबें, वो मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी, और यहां पे आप देखो जनरल साइंस जो पार्ट ए में है, और पार्ट में आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये देखने को मिलेगा। इससे ये चारों किताबें आपके स्कोर बूस्टर हैं। एक तो मैथ्स में आपको खुद ही पढ़ा रहूंगा, आपको मैं बता दूं तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद ही हूं, एनआईटी से यहां पे बीटेक किया हुआ बंदा, तो आपको समझ सकते हो कि किस प्रकार से चीजों को पढ़ाएगा, चाहे मैथ्स की बात हो चाहे साइंस की। साइंस के लिए नवीन सर जो आप बीएससी उसके बाद एमएससी फिजिक्स किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बेहतरीन साइंस पढ़ाएंगे। आपको रीजनिंग आशीष पाठक सर पढ़ाएंगे, मेरे ही बैचमेट रहे हैं, मेरे साथ ही बीटेक किए हुए हैं, और बहुत बेहतरीन उनकी रीजनिंग है। वो आपको क्या पढ़ाएंगे, वो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं, एक एक क्वेश्चन पे दावा ठोकेंगे हम लोग। रीजनिंग की गारंटी भी दिलवाता हूं, आशीष सर बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। साइंस में आपको नवीन सर बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। तो मेन आपका 3 ही विषय है, और करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक के लिए आपको 2 टीचर मैं अलग से दूंगा। एक आपके रमन सर होंगे, क्या जबरदस्त उनका पढ़ाने का स्टाइल है, और एक सर्वेश सर होंगे जो आपको स्टैटिक बता रहे होंगे ये बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपके इतने में ही 5 टीचर आपको, और सारे के सारे कहीं ना कहीं इंजीनियर्स आपको मिल रहे हैं, और मात्र 499 के प्राइस में मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतना बेहतरीन बैच और कोई नहीं हो सकता, और ये स्कोर मैं गारंटी दिला रहा हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्कोर आपके आएंगे। अगर आप स्कोर ए में इतना स्कोर कर लेते हो तो ये बात भी गारंटी है कि आप स्टेज 2 में चले जाओगे, आपका मार्क्स यहां पर नहीं जुड़ेगा, 1/3 निगेटिव है। मिनिमम जो आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए 40% जनरल का होना चाहिए, बट क्योंकि मेरिट बनेगा तो इतने पे तो वैसे भी मेरिट में नहीं आओगे, इससे कहीं ज्यादा ऊपर आपको आना पड़ेगा। तो ये लाइन आपके लिए बेकार है, ये लाइन आपके बेकार है। नॉर्मलाइजेशन होता है, ये लाइन ठीक है, निगेटिव है ये भी ठीक है। ये चारों पॉइंट देखो, बाकी सारे के सारे क्या है, बेकार पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग स्टेज 2 में, ये आपका क्या है, सिलेबस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल साइंस में बेटा यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पूछा जाएगा, जो स्टेज 1 है। स्टेज 2 में बायो और केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, वहां पे जनरली क्या होते हैं, फिजिक्स के ही पार्ट होते हैं। यहां पे जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में भी साइंस दिया हुआ है, लेकिन जब आप साइंस यहां पे पढ़ लोगे तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स ही ज्यादा पूछा जाता है, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक, ये सब कुछ आपका करंट अफेयर से ही होता है। तो ये सारी पॉइंट क्या है, ये सब फालतू के पॉइंट लिखे हुए हैं, केवल यहां पे करंट अफेयर्स का मतलब है। स्टेज 2 में आते हैं, अगर आप यहां पे 15 गुना में आ जाते हो, मतलब 85,000 में अपना आज मौजूदा स्थिति के हिसाब से 85,000 में अपना क्या बना पाते हो, अपना अगर आप
जगह बना पाते हो तो आप सीबीटी स्टेज टू दोगे। सीबीटी स्टेज टू में अगर आप देखो तो पार्ट ए पार्ट बी होता है, यहां पे टोटल 15 गुना बच्चे आएंगे, इस दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। और पैटर्न इसका क्या है, पार्ट ए है ये 90 मिनट का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी होगा ये 60 मिनट का होगा, ये 75 क्वेश्चन होंगे, ये एक ही सिटिंग में होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग पेपर बैठना है, एक ही सिटिंग मतलब टोटल 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे में 175 टोटल अटेम्प्ट करना है, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग है, यहां पे आपको क्वालिफाई करना है, मतलब आपको कितना लाना है, पार्ट बी में आपको 35% लाना है, ठीक है। आपको पार्ट बी में कितना लगा, इन पार्ट ए यहां पे 40% है, पार्ट बी केवल क्वालिफाई करना है, जबकि पार्ट ए में आप ध्यान देना, पार्ट ए में आपका यहीं से मार्क्स जुड़ेगा और यहीं से सिलेक्शन होगा। तो 90 मिनट में जो आपके ये 100 क्वेश्चन होंगे यही आपके निर्णायक होंगे। पहले क्या था बेटा, पहले इस 100 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स पूछता था, इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार करंट अफेयर्स भी गायब कर दिया है। पहले 4 पार्ट थे, अब केवल 3 पार्ट है, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पहले क्या था, पहले आपका 10 क्वेश्चन आपका क्या होता था, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस या फिर आप बोल सकते हो करंट अफेयर्स का पूछता था, और बाकी 40 क्वेश्चन आपके किसके पूछते थे, 40 क्वेश्चन आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग के होते थे और 20-20 क्वेश्चन इसके होते थे। इस बार जो ज्यादा चांस है, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। अब इसे मैं आपको बता दूं क्योंकि सिलेक्शन आपको यहीं पे होने वाला है, मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, आपका जो सिलेबस है वो सेम है, सिलेबस स्टेज वन में, मतलब आप आज से तैयारी करना स्टार्ट करोगे, आपका स्टेज वन स्टेज टू की तैयारी एक साथ होगी। आप यहां पे थोड़ा सा हल्के लेवल पे पढ़ोगे, जब आप मेंस की तैयारी, इसके पार्ट ए की तैयारी रहोगे सीबीटी 2 की, तब हम लोग प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ करेंगे। तो हमारा ये 30 पे 30 पे मैक्सिमम आंसर, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का हम लोग दावा ठोकेंगे। इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद रीजनिंग आएगा, ये भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिमिलर पैटर्न हम इस पे करेंगे। अब आता है हमारा क्या, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इसमें बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि इसमें सर इंजीनियरिंग पूछेगा क्या, इंजीनियरिंग बेटा नहीं पूछता। इसमें एक टॉपिक क्या दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे हम लोग ईडी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी बोलते हैं, जो आप लोग प्रोटेक्टर वगैरह कई बार लेके जो कॉलेज में गए होंगे, वो सीट लेके गए होंगे, कई बार ड्रॉ वगैरह किए होंगे, ये सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ज्यादा करते हैं। तो प्रोजेक्शन है, व्यूज है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, लाइंस है, ज्योमेट्रिक फिगर्स है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, इनसे मात्र 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी 40 में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, वो फिजिक्स के हैं। वो देखो आप क्वेश्चन क्या है, वो फिजिक्स के हैं, इसमें बायो और केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती। तो जनरली अगर मैं आपसे बोलूं कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग है, ये क्या है, ये आपके 12th लेवल या इसमें 12th लेवल की अगर आप फिजिक्स अच्छे से पढ़े हो, 12th लेवल की फिजिक्स आप अच्छे से पढ़े हो तो इसमें मैक्सिमम आप स्कोर कर ले जाओगे। और इसके लिए आपको मैं भी मदद करूंगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली जितनी पार्ट है, जितना आपको जैसे पिछली बार सिंक्रोनस मोटर वगैरह का पूछा हुआ था, ये सारी ही चीजें मैं आपका कवर करवाऊंगा, जैसे जो आपके लीवर्स हैं, मशीन्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सारा पार्ट मैं करवाऊंगा। आईटी लिटरेसी ये सब है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपका देखा जाए सीएसआईटी से तो पाठक सर करवा देंगे, आशीष पाठक सर, बाकी कहीं ना कहीं फिजिक्स से एमएससी रखने वाले नवीन सर आपको पाकी फिजिक्स के सारे पार्ट करवा देंगे, तो आपका ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। साइंस में आपका एक भी अंक नहीं जाने देंगे। अब क्योंकि बेटा यहां पे जो आप 100 नंबर पाओगे, 100 क्वेश्चन है, यहां पे भी एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 1/3 नेगेटिव है। मैं कह रहा हूं अगर आप यहां पे 80 मार्क्स पाते हो तो इसका 70% ही जुड़ेगा, मतलब कि 56 नंबर आपका यहां पे जुड़ेगा। उसके बाद आपका क्या आता है, इसका जो पार्ट बी होगा वो पार्ट बी आपका क्या है, केवल और केवल पार्ट बी क्वालिफाइंग है, इसमें केवल आपको क्या लाना है, 35% लाना है, और इस पे जो सब्जेक्ट होंगे ट्रेड के हिसाब से होंगे। इसमें आपका बेसिकली मैं आपको एक इन शॉर्ट बता दूं कि होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाला ट्रेड चूज करोगे तो आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें होती है वो पूछता है। ऐसे आप अगर फिटर या सिविल का चूज करोगे तो वहां पे आपसे जो बेसिक फिजिक्स होता है वो पूछेगा, और ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो बेसिक ही चीजें पूछेगा। जो यहां पे दिया हुआ है उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ये केवल क्वालिफाइंग है तो इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। इसके बाद आपका जो स्टेज आएगा आपका सीबीएटी, ये भी आपका क्या है, ये भी क्वालिफाइंग है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, साइकोमेट्री टेस्ट बोलते हैं, और ये बहुत आसान होता है। हालांकि इसकी चिंता नहीं करनी है, पहले CBT1 CBT2 निकालो, फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसमें भी आपको पक्का कर देंगे। अब इसके लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्या आपका कट ऑफ होना चाहिए, तो मैं फिर से बता दूं कि आपका यहां पे 30%
ठीक है। और जो आपका सीबीएटी जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं, यहाँ पे आपका 30% सीबीएसटी से लिया जाएगा, यहाँ पे आपका 70% किससे, पार्ट ए से लिया जाएगा, और 30% आपका किससे लिया जाएगा, सीबीएटी से लिया जाएगा। तो जो भी आप स्कोर करोगे इसमें भी आप टीम पूरी मदद करेगी। अब सपोज करो इसमें 42 नंबर एक में प्रत्येक में आपको लाना अनिवार्य ही है, लेकिन जितना आप स्कोर करोगे उसका 30% जो कि कहां पे जाएगा, यही पे जो आपका 70% इसमें जुड़ेगा, फिर आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी। तो अल्टीमेटली आपको ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ना है, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आज से ही मैथ रीजनिंग और साइंस, मैथ रीजनिंग और फिजिक्स, साइंस भी ना बोलूं, मैथ रीजनिंग और फिजिक्स ये पढ़ना आज से चालू कर दो। अगर आज से पढ़ने लग जाओगे तीन सब्जेक्ट, बहुत बड़ा ब्रॉड नहीं है, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और टेक्निकल वाले बच्चों का ये तीनों ही विषय पसंदीदा विषय होता है, आपके लिए इससे अच्छी वैकेंसी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ना ही इसमें जीएस है, ना ही इसमें इंग्लिश है, ना ही इसमें हिंदी है, इससे आसान सिलेक्शन लेने का तरीका कोई नहीं हो सकता। तो कैसे करना है तैयारी, ये सारी चीजें मैंने बता दिया। अब आप अपनी तैयारी को बहुत आराम से, बहुत आसानी से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए टीम परीक्षा प्लस आपको पूरा मदद कर रही है, और वो मदद कर रही है इस कोर्स के माध्यम से। ये कोर्स जो आपको न्यू बैच आरआरबी एएलपी का दिख रहा है, मात्र 499 का है, आगे चल के इसकी प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी, बट इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूंगा, मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहे होंगे आशीष सर, खुद वो बीटेक हैं, और साइंस जो पढ़ा रहे होंगे कोर पार्ट, वो आपको नवीन सर पढ़ा रहे होंगे जो एमएससी फिजिक्स हैं। और आपको इसके अतिरिक्त हम लोग आपके अपने आपके ट्रेड में आपके चीजों में मदद कर रहे होंगे। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि जितने भी साइंस के और इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आए हैं उन सबको मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, वो भी आपके लिए निःशुल्क में करवा दूंगा, बट डिटेल में पढ़ने के लिए आपको कोर्स से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, अब यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या सर मैं आपके कोर्स से जुड़ जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या इससे बाहर नहीं आएगा, क्या आपने जो पढ़ा दिया है उसी में सारा चीज पूछा जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है तो मैं 100% गारंटी लेता हूं बेटा कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना आपको कोर्स में दिया जा रहा है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और अगर आप उतना केवल कर लोगे, उतना अगर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। एकाध क्वेश्चन कहीं से भी कई बार क्या होता है, बना लेता है, जैसे पिछली बार ही पूछ लिया, क्या पूछा था कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, वो तो पिछली बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसका आंसर गलत दिया था, बट आपको एक एक ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में कवर हो। फिर भी मान के चलो कोई ऐसा क्वेश्चन रख देता है जो शायद ना टच हो, बट उसका आपका सिलेक्शन पर फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये पूछो कि सर क्या 100% पेपर फंस जाएगा, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल फंस जाएगा, लेकिन 99.99% 0.01% का हम चांस नहीं लेंगे। लेकिन आप बोलोगे क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं वहां पे बोलूंगा 110% बेटा, कि आपका मेन उद्देश्य ये नहीं कि सारा पेपर वहां पे फंस जाए, मेन उद्देश्य है आपका सिलेक्शन लेना, और टू बी कैंडिड, यही बात सत्य है। अब रही बात कि आप दूध पीते बच्चे नहीं हो, 18 प्लस हो और 30 साल के सारे भरने वाले हो, आपको इतना पता होगा कि क्या सही है क्या उचित है। मैं कोई बातें कर रहा हूं तो मैं बहका रहा हूं, या कोई बातें करता है तो बहकाता है, कोई मैं बोलता हूं हमेशा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। एक एक चीज आप जाइएगा डेमो देखिएगा, तब आप कोर्स से जुड़ेगा। और हालांकि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, और आप लोग अगर वीडियो को देखो तो कमेंट करके बताइएगा हाँ टीम परीक्षा प्लस क्या क्वालिटी देती है, कितने कम प्राइस में देती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो लैब अटेंडेंट वाले बच्चे हैं अभी अभी ईएमआरएस में दिए, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। सारे टेक्निकल बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल ट्रेड से जुड़े हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप लोग इसमें अपने फॉर्म जरूर भरो और अपनी तैयारी जरूर करो। ये पैसे कुछ नहीं होते, ये मात्र केवल एक आपकी ग्रेविटी, आपकी बोल सकते हो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। आपको भी पता है कि इतने बड़े कोर्स में इतनी बड़े ट्रेड की अगर आपकी तैयारी कराई जा रही है, सीबीटी 1 सीबीटी दोनों स्टेज की कराई जा रही है, तो ये रुपए कुछ नहीं है। बाकी इसमें सारे नोट्स आपको जितना पढ़ लोगे, जितनी क्लासेस करा दी गई है उतना आप कर लोगे, और जितना आपको मार्गदर्शन दिया जाए उस हिसाब से चलोगे, तो आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा। हाँ, आप अगर सिलेक्शन की बात करते हो तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि टीम परीक्षा प्लस का हर एक फैकल्टी, हर एक सदस्य इतना दम लगा देगी कि आपके सिलेक्शन में, आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी सफलता के मार्ग को प्रशस्त करे। लेकिन आपको भी ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, हाँ सर जैसा आप बताओगे, जैसा आप कंटेंट दोगे, जैसा आप पढ़ाओगे, हम बिल्कुल ऐसा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं पढ़ोगे तब मैं सिलेक्शन की गारंटी नहीं ले सकता हूं। और उम्मीद है मेरी ये प्रॉमिस आपके लिए बहुत ज्यादा साबित होने वाली है। बाकी अगर आप टीम से जुड़ते हो, कोर्स से जुड़ते हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग फिर वहां पे मिलेंगे। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमारे नंबर चल रहे हैं इन पे आप कॉल कर सकते हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।